वीडियो देखिए इंस्टाग्राम पर जाकर आपको लाइव देखा है। अच्छा अच्छा धन्यवाद भाई, बाकी अच्छा लगा था, मतलब बहुत सही स्वभाव। रियल में इतने ब्लॉगर मैंने अपनी जिंदगी में आज तक मतलब नहीं, जैसे तीन नदियां मिलते ना त्रिवेणी, इतने ज्यादा ब्लॉगर मिल गए, ब्लॉगर रेडी हो गई। भाई साहब यहाँ पे अच्छी भाई की डिफेंडर जा रही है, आगे देखते हैं हम उनको पकड़ पाते नहीं पकड़ पाते। उरे देख दे आंखें चमक रही है। ऑलराइट गाइस, अभी हम पहुंच चुके थे आपका घर, लेकिन अभी हम जा रहे हैं दोबारा से रोहित भाई के यहाँ पे, और वहाँ पे उनका प्रोग्राम जो है चल तो सुबह से ही गया था, जब हम गए थे उस टाइम से रामायण शुरू हो चुकी थी। तो अभी चलते हैं वापस से, आपको भी दिखाएंगे कि किस तरीके से कथा की जाती है और कैसे उसकी फिनिशिंग होती है, सब कुछ बाकी ब्लॉग में देखते रहो। देखो भाई साहब भी पधार चुके हैं, इनके हाइट कुछ ज्यादा है, तो मैं रोहित भाई बता कहाँ तक आते हैं इसके। देखो ठीक है, लेकिन रोहित भाई के साथ जब भी जाता हूँ मिलने या मीटअप वगैरह जब भी हम बैठते हैं तो भाई एक्साइटेड बहुत हो जाता हूँ, क्योंकि आपको पता है रोहित भाई मस्त है, जेन्युइन बात बता रहा हूँ, बहुत मस्त इंसान है भाई। Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's faking now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. Bye 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 bye. तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं आपका थमोला गांव में, आपका प्रॉपर मंदिर पे, जहां पे हमारे रोहित भाई करा रहे हैं आपका रामायण, और भाई साहब आगे खड़े हो रखे हैं, और भाई साहब हो रखे हैं लाइव अभी। ये देखो भाई साहब लाइव पे चल रहे हैं, बतिया रहे हैं, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, एक उंगली दिखा के कि एक बजे आ जाना, एक बजे मीटअप करूंगा मैं दोबारा। हम बैक द अनदर एपिसोड, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं पहाड़ी स्पेशल। तो दोस्तों आपने पिछला व्लॉग देखा था रामायण का और हमारे रोहित भाई से मीटअप का, और अभी आप देखेंगे हमारा ये वाला व्लॉग जो कि रात में शूट हो रहा है अगेन दूसरे दिन। तो अभी हम मौजूद हैं आपका कमोला धमोला गांव में, रामनगर के पास में, रोहित भाई के यहाँ पे, और बैकग्राउंड में आपको आवाज़ आ रही होगी रामायण का पार्ट रोहित भाई के सिल्वर प्ले बटन आने की खुशी में किया जा रहा है। और यहाँ पे आज हम आपको बहुत सारे यूट्यूबर से मीटअप कराएंगे, आप लोग उनको जानते होंगे। तो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग बिना किसी देरी किए हुए, लेट्स गो। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी चल रही है आपकी रामायण, और ये कंटिन्यू आपका 48 आवर्स तक चलती रहती है, बाकी हम आपको इसके बाद मिलते रहेंगे, अगली अगली कुछ कुछ नई नई चीजें देखने को मिलेंगी ना उसमें। और बाकी यहाँ पे देखो भाई लोग सब यहाँ पे रहने का सेटअप लगा रहे हैं, बिल्कुल सोने के रजाई गद्दे वगैरह ला रहे हैं, क्योंकि ठंड के भी दिन है तो भाई बहुत दिक्कत आ सकती है हमें, किसी की तबीयत खराब ना हो। नाम है राही UK01, और ये भाई से मिलके बहुत अच्छा लगा। आप वीडियो देखिए इंस्टाग्राम पर जाकर आपको लाइव देखा है। अच्छा अच्छा धन्यवाद भाई, बाकी अच्छा लगा था, मतलब बहुत सही स्वभाव। बेटा मन में लड्डू फूटा आपसे मिलके और रोहित से मिलके, बाकी बता। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद, हमें भी अच्छा लगा आपसे मिलके। ओ भाई यहीं से नीचे को गया रे, गाड़ी चला भाई पीछे पड़ जाएगा, जल्दी चला। उरे देख दे आंखें चमक रही है। ओ भाई साहब ये क्या था? A few minutes later. हम एक साथ रहेंगे और सब लोग आपस में ही लड़ने झगड़ने लग जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि एक साथ रहेंगे तो साथ में रहेंगे तो तब एकता में अनेकता बोलनी को क्या बोलते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। तो गाइस अभी चलते हैं यहाँ से, थोड़ा आपका पेट पूजा करके आते, पेट में गुड़गुड़ हो रही है, पहाड़ी में बोलो तो पेट है मुस्कुदमी, देख लो क्या करनी है, चलते हैं। बाकी यहाँ पे अब्बू भाई खा रहे छोले और समोसे, हम खा रहे खाली छोले। तो गाइस अभी मैंने आपको बहुत सारे लोगों से मिलाया यहाँ पे, जितने लोगों को मैं मिल पाया यहाँ पे, और बाकी हमारे साथ यहाँ पे अभी एक और यूट्यूबर जुड़ चुके हैं यहाँ पे, हमारे शेखर जोशी व्लॉग। तो भैया जी आपको कैसा लग रहा है? इतना बढ़िया लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं जैसे ब्लॉगर्स के उसमें आ गया हूँ, किसी जैसे होता है ना छत्ता जैसे होता है, बिल्कुल 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 मधुमक्खियों का छत्ता होता है, तो ऐसा लग रहा है ब्लॉगर्स के छत्ते में आ गया हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा कॉमेडी बना के कह रहा हूँ और ज्यादा अच्छा लगेगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, रियल में इतने ब्लॉगर मैंने अपनी जिंदगी में आज तक मतलब नहीं, जैसे तीन नदियां मिलते ना त्रिवेणी, इतने ज्यादा ब्लॉगर मिल गए, ब्लॉगर रेडी हो गई, मजा आ गया कसम से। तो भाई साहब मुझे अभी एक बात पता चली है, तो इनका नाम है शेखर जोशी। हाँ इनका नाम है शेखर जोशी, और ये भी मेरे वहीं के हैं रानीखेत के, तो हम दोनों रानीखेत के यहाँ पे। बिल्कुल जी बिल्कुल, और ये दोनों रानीखेत, और ये भाई साहब गौतम भाई हमारे, तो हम तो आपसे पहले ही मिल चुके हैं। बिल्कुल ये हमसे मिलते रहते हैं अभी, और ये भाई भी मिले थे हमें रोहित भाई के वहाँ पे डिलीवरी पे बाइक की,
बाइक की डिलीवरी भी भाई। भैया क्या बोला जरा देखो। तो दोस्तों अभी इतने सारे यूट्यूबर को मिलने के बाद हम जा रहे हैं वापस से मंदिर की ओर को, और अभी हम पैदल जा रहे हैं, गाड़ी लेके नहीं जा रहे हैं। और भाई साहब थोड़ा रास्ते को फोकस करेंगे तो कुछ दिख नहीं रहा, और मुझे यहाँ का आइडिया भी नहीं है कैसे जाना है। बाकी भाई लोग आगे हल्का हल्का लाइट दिख रही होगी आपको, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और लिटरली भाई इतना मजा आ रहा है ना भाई, कसम से इतने सारे क्रिएटर को मिलके। आपने देखे आपके शेखर भैया, आपने शेखर भाई जोशी नाम से तो कम लोग जानते होंगे, परुआ परुली बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, तो उनकी एक सीरीज थी परुआ परुली करके, तो बहुत हिट हुई थी। यहाँ को देखो भाई साहब, पानी इतना मोटा मोटा बहते जा रहा है नालियों में, हमारे यहाँ भाई पानी की दिक्कत, और यहाँ देखो इतना सारा पानी। यही है भाई जगह जगह की बात, टाइम टाइम की बात। तो चलते हैं बिना किसी देरी किए हुए भागते हुए। ओ माय गॉड, बच गया फोन भाई का यहाँ पे, काटना मत ब्रो ये। तो दोस्तों यहाँ पे चल रहा है अभी, यहाँ पे आपका मस्त तरीके से कीर्तन वगैरह आपको दिखाते हैं। देखो यहाँ पे ये देखो भाई साहब, ये देखो ब्लॉगिंग चल रही है हर जगह पे यहाँ पे। और बैकग्राउंड पे अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे बन रहे हैं आपके पूरियां गर्मा गर्म, और जो आज का हमारा रात का जो डिनर होगा पूरियां विद आलू और बड़ी की सब्जी, ये देखो दोस्तों। तो भाई साहब किसी ने देखा है इन शख्स को कहीं पे? अरे भाई साहब यहाँ पे हमारे तुषार भाई मिल चुके हैं हमें, नोमैडिक तुषार करके। ये देखो भाई साहब, हम बताया नहीं पहुँचा हल्द्वानी, मतलब यहाँ पहुँचा हुआ है, एक बार भी मैसेज नहीं करा मैं। अरे ये भाई साहब प्रोग्राम जो है ना हमारा सडनली बना था, आप लोगों को पता है मुझे कॉलेज जाना था, लेकिन रोहित भैया की इतनी सारी रिकमेंडेशन पे मैं यहाँ आया, लेकिन भाई आया मुझे अच्छा लगा। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन इसने मैसेज नहीं किया इसलिए मुझे बड़ा बुरा लग रहा है। कम से कम एक बार तूने बताना चाहिए था कि मैं आ रहा हूँ। अरे अब ये सडनली हुआ था ना, तो हमारी जो रेगुलर ऑडियंस है वो तुषार भाई को आपको दिल्ली वाले हायबूसा वाले ब्लॉग में देखा होगा, उसके बाद हमने आपको आपको मिले थे हम हल्द्वानी पे, हल्द्वानी में केटीएम की डिलीवरी के टाइम पे, और आज तीसरी बार हम मिल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छा लगता है भाई से जब हम मिलते हैं, तो यूं ही हम मिलते रहेंगे, मिलते रहे। रोहित भैया के बड़े दादा, ये देखो यहाँ पे सर्व कर रहे हैं यहाँ पे खाना, तो यहाँ पे अभी हम लोग खा रहे हैं, सारे ब्लॉगर बैठे देखो सारे, क्योंकि ठंडा भी बहुत हो रहा है आज। तुम्हारा भाई भी पी रहा है चाय यहाँ पे, बाकी भाई कैसी हो रही चाय? बढ़िया मस्त एकदम, अदरक वाली चाय है भाई, मजा आ गया, मजे ले रहे हैं हम लोग। ये देखो मजे ले रहे हैं रोहित भाई, चाय कैसी हो रही है? बस एकदम जबरदस्त, मजा आ गया। और ठंडा कुछ? ठंडा उतना ठंडा नहीं हो रहा है, हवाएं ठंडी है। बिल्कुल बिल्कुल, हवा लग रही ठंडी है। तो रोहित भाई भी आ चुके हैं अभी यहाँ पे, अभी सब लोग पढ़ रहे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, जो पढ़ चुके हैं हम लोग हम बैठ चुके हैं, बाकी जो नहीं पढ़ रहे थे अभी वो लोग पढ़। गौतम भाई और तुषार भाई लगा रहे रैन बसेरा अपना, रैन बसेरा बोले तो टेंट आपका, जब इसके घर वाले गौतम को भगा देते ना यहाँ सो जाते हैं टेंट लेके। ये इसी की है कि मैट थोड़ी आती है इसमें? हाँ तो ठीक है, वैसे सही है, इसके अंदर जाके देखता हूँ एक बार। ये इग्लू है बर्फ का घर। तो भाई साहब आ चुका हूँ सोने के लिए इसके अंदर, लेकिन हवा वगैरह कम आती है इसमें, लेकिन जाली लगी इसको कवर करने के लिए भी, एक अलग शीट आती है यहाँ पे। ये तो आपका 2 पर्सन के लिए है, एक रोहित भाई के पास जो है वो 3 पर्सन है। हाँ भाई बंद कर दो, वैसे हवा नहीं आ रही इसके अंदर ही रहता हूँ मुझे लग रहा है, सही हो रहा है भाई, सो जाता हूँ। तो गाइस अभी आपको मेरे बैकग्राउंड पे आवाज आ रही होगी, यहाँ पे आपका जो रामायण का पार्ट चल रहा है वो चल रहा है अभी मस्त तरीके से। और इस व्लॉग को इसी के साथ हम एंड भी करते हैं, और इसका जो अगला पार्ट बनाएंगे हम उसमें आपको बहुत सारे यूट्यूबर्स से मिलाएंगे, तो आप उसको भी मस्त तरीके से देखना। इसके नेक्स्ट वाला जो व्लॉग आएगा ना भाई, एक नंबर, एक बड़े से बड़े यूट्यूबर से आपको मिलाएंगे, हमारे साथ हमारे पहाड़ी सारे गैंग है, हमारी कम्युनिटी है ना जो यहाँ पे मौजूद होगी, तो उसको भी जरूर से देखना। और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। हल्की सी निद्रा ली जाए तो क्या कहते हैं भाई लोग।
मैं सोचा थोड़ा सो जाएगा क्योंकि मैं लास्ट कल रात भी नहीं सोया था, उसमें भी एडिट करनी पड़ता पिछला वाला।